श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। भक्तों ने हवन पूजन किया, शोभा यात्राएं निकाली। वहीं इस दौरान जीवंत झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं और शोभा यात्राओं का रास्ते में जगह जगह स्वागत भी किया गया। वहीं इस पावन अवसर पर घरों और मंदिरों में कृष्ण भक्त कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गोपाल मंदिर पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहा। प्राचीन राधा कृष्ण की मूर्ति का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। कृष्ण जन्माष्टमी पर सोने चांदी और हीरो के आभूषण भगवान को पहनाए गए। मंदिर के पुजारी ने मीडिया को बताया कि मंदिर का निर्माण ग्वालियर राजघराने में हुआ था। जन्माष्टमी के मौके पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों का तांता बना रहता है। इसकी स्थापना सन 1921 में सिंधिया राजवंश ने कराई थी। राधा कृष्ण की प्रतिमाएं, जागृत प्रतिमाएं, विशेषता ये है गैया हैं, गऊ हैं इसमें। जन्माष्टमी के दिन भगवान राधा कृष्ण ये स्वर्ण आभूषणों का जो है श्रृंगार करते हैं, उससे श्रृंगार होता है, उसके बाद आरती होती है, प्रसाद वितरण किया जाता है। शाम को आरती होगी 7-7 बजे, उसके बाद जल्दी आरती होगी रात को 12 बजे। ये सन जो है 1907 से चलाए जा रहे हैं। ये महापुर थे विवेक शेजवलकर साहब पंचायत में, उनके द्वारा पहली बार उनके बाद द्वारा बनाए गए थे। ये जो है आभूषण जो है सिंधिया रियासत काल के जो है और सिंधिया परिवार ने मंदिर को भेंट किए थे। मुकुट हैं, सहसरदारी हार है, राधा मैया का हार है और आज छड़ी है और काफी जो है गहने। वहीं दूसरी ओर बड़वाहा के सत्ती घाट स्थित प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर सहित बड़वाहा के अनेक कृष्ण मठ मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिरों को आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ संवारा गया और गायक कलाकारों ने कृष्ण के भजन सुनाकर भक्तों को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया। मुंगावली में भी विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वावधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में भक्त शामिल हुए। हर साल की तरह मटकी फोड़ का आयोजन किया गया। भव्य चल समारोह के माध्यम से दलों का मुख्य उद्देश्य सभी समाज के लोगों को एक मंच पर लाना रहा। जन्माष्टमी को लेकर यादव समाज ने भगवान श्री कृष्ण की मनोरम झांकियों के साथ चल समारोह निकाला। इस दौरान हजारों भक्तों के साथ क्षेत्र के विधायक रवि जोशी भी कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आए। चल समारोह में डीजे की धुन पर भगवान श्री कृष्ण के भजनों पर भक्त जमकर झूमते दिखाई दिए। राजोत में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ साथ सिद्धि विनायक गणेश मंदिर को भी बड़ी ही धूमधाम से सजाया गया। लड्डू गोपाल को झूले में बैठाकर आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। इस दौरान 25 फीट ऊंची दही हांडी मटकी फोड़ का भी आयोजन रखा गया।
कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे प्रदेश में नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दी। कृष्ण भक्त राधा कृष्ण की भक्ति में डूबे नजर आए तो कहीं कृष्ण की भक्ति के गीतों पर झूमते गाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़।